क्या आप भी घुटने या जोड़ों के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या आप गठिया या बात से परेशान हैं, आर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है, आपके घुटनों में हमेशा दर्द रहता है, कड़कड़ की आवाज़ें आती हैं, या आपके जो घुटनों हैं या मींस जॉइंट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रहती है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवा के बारे में बात करेंगे जिसको अगर आप लेते हैं तो आपके आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, घुटनों या जोड़ों में दर्द, स्वेलिंग की प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और अंत तक ज़रूर देखें। ऑर्थराइटिस या जॉइंट्स पेन, गठिया बात की समस्या जो 50 ईयर से ऊपर के लोगों में होती है, ज़्यादातर ऐसे ही लोग होते हैं जो 50 से ऊपर है, उन्हीं को ये समस्या होती है। लेकिन जैसी आजकल हमारी लाइफस्टाइल चल रही है, हमारा खान पान चल रहा है, ऐसे में जो कम उम्र के लोग हैं उनको भी आर्थराइटिस, गठिया बात की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। जब आपको आर्थराइटिस या गठिया बात की समस्या हो जाती है, जॉइंट्स में पेन की समस्या आ जाती है या जॉइंट से कट कट की आवाज़ आती है, तो आप जो डेली रोज़मर्रा के काम हैं वो भी आप कर नहीं पाते हैं, आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ़ होती हैं, सीढ़ियाँ उतरने में भी तकलीफ़ होती हैं, या आप बहुत देर तक रेस्ट कर रहे हो और फिर अचानक से चलते हैं तो भी आपको तकलीफ़ होती है, या आप कोई काम के लिए जा रहे हैं, हैवी सामान उठा रहे हैं तो आपको बहुत तेज़ घुटनों में दर्द होता है, घुटनों से कड़कड़ की आवाज़ आती है, इस तरह की प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ सकता है। इसलिए आप कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाएं ज़रूर लें, क्योंकि होम्योपैथिक के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। अगर आप अदर पैथी लेते हैं, मींस एलोपैथिक दवाएं लेते हैं, पेन किलर का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो आपका पेन तो ख़त्म कर देती है लेकिन ये आपकी किडनी पे इफ़ेक्ट डाल देती है। इसलिए आप एलोपैथिक की जगह होम्योपैथिक ज़रूर ट्राई करें, एक तो इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है और जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, आर्थराइटिस, गठिया बात के लिए हमारी होम्योपैथिक में परमानेंट इलाज है, इसलिए आप इन दवाओं का यूज़ करें। तो आइए जानते हैं कि अगर आप को घुटने दर्द या जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम है तो कौन सी होम्योपैथिक दवा लेनी चाहिए। सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो दवा है हम होम्योपैथिक में बहुत ज़्यादा इस दवा का यूज़ करते हैं, वो है रस्टॉक्स। जी हाँ, रस्टॉक्स हम घुटनों के दर्द, जॉइंट्स पेन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं और बहुत से पेशेंट इसको लेके अपने घुटने के दर्द, घुटनों में स्वेलिंग, बात, गठिया से उनको आराम मिला है और बिना साइड इफ़ेक्ट के। अगर आप गठिया बात के पेशेंट हैं और आप बहुत देर तक अगर रेस्ट कर लेते हैं, जैसे ही आप सुबह मींस रात में मान लीजिए आप सो गए और सुबह आप उठ रहे हैं और आप फर्स्ट मूव जब दे रहे हैं तो आपके घुटनों में बहुत तेज़ दर्द होता है, और जैसे जैसे आप दिन भर के काम करते हैं तो आपके घुटनों में आराम रहता है। मींस रस्टॉक्स हम उस पेशेंट को देते हैं जिन्हें आराम करने से घुटनों में ज़्यादा दर्द होता है, या फर्स्ट मूव सुबह उठते ही उनका फर्स्ट मूव में बहुत तेज़ दर्द होता है, उन पेशेंट के लिए ये बहुत असरदार दवा है। यदि आप भी सुबह उठते ही जैसे ही पैर नीचे रखते हैं तो आपके पैर में बहुत तेज़ झनझनाहट होती है, आपके जो घुटने हैं बहुत ज़्यादा उसमें स्वेलिंग है, या आप बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होते हैं, स्टिफनेस रहती है, नमनेस रहती है, ऐसा लगता है कि आपके पैरों में बहुत ज़्यादा भारी हो गया है, तो आप रस्टॉक्स ज़रूर लीजिए। रस्टॉक्स इतनी असरदार दवा है कि आपको 5 से 6 दिन में ही जो घुटनों के दर्द से रिलीफ जाएगा, लेकिन आप इस दवा को 2 से 3 महीना जरूर यूज करिए, तभी आपको इसके परमानेंट रिजल्ट मिलेगा। तो आप रस्टॉक्स की 3 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पर ले लीजिए, आप इसका रिजल्ट खुद देख सकेंगे, आपके जोड़ों के दर्द, जोड़ों में स्वेलिंग से आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। देन सेकंड इफेक्टिव मेडिसिन है आर्टिका यूरेंस। आर्टिका यूरेंस भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और ख़ासकर उन पेशेंट को देते हैं जिनका यूरिक एसिड बढ़ा होता है। जी हाँ, आप ये जानते ही होंगे कि जब हमारा यूरिक एसिड हमारे शरीर में इसका लेवल बढ़ता है तो हमारा सबसे पहले हमें जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम होती है। वो जॉइंट्स आपके घुटने भी हो सकते हैं, आपके फिंगर भी हो सकते हैं, आपके एल्बो जॉइंट्स हो सकते हैं, या शोल्डर जॉइंट्स भी हो सकते हैं, किसी भी जॉइंट्स पे ये इफ़ेक्ट डाल सकता है।
और जब आपका यूरिक एसिड लेवल बहुत ज़्यादा रहता है तो आपको स्टिफनेस रहेगी, आपके जो भी जॉइंट्स इफेक्ट, मतलब जब हमारा यूरिक एसिड बढ़ता है तो या तो अपर साइड बॉडी का जॉइंट्स इफेक्ट डालता है या लोअर बॉडी का इफेक्ट डालता है, तो जो भी आपके जॉइंट्स पे इफेक्ट डाला है यूरिक एसिड बढ़ने का, उस जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगा चलने फिरने में, या अगर हाथ में है तो मूवमेंट में, कोई भी आप मूव करेंगे उसमें आपको तकलीफ होगी। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है, आपका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप हमारी होम्योपैथिक की आर्टिका यूरेंस का क्यूज ज़रूर यूज़ करें। इसको लेने से आपके जॉइंट्स पेन ठीक हो जाता है और आपका अगर यूरिक एसिड लेवल बढ़ा है वो भी कंट्रोल हो जाता है। इस दवा को आपको किस तरह यूज़ करना है, आप 10 से 12 बूंदे आधे कप नॉर्मल वाटर में ऐड करके दिन में 3 बार ले लीजिए, आप इसका रिजल्ट खुद देख सकेंगे। देन थर्ड इफेक्टिव मेडिसिन है बायो कॉम्बिनेशन 19। बायो कॉम्बिनेशन 19 भी हम जॉइंट्स पेन के पेशेंट्स को देते हैं, जिनको जॉइंट्स या मस्कुलर पेन दोनों ही तरह का पेन होता है उनके लिए बहुत असरदार होता है बायो कॉम्बिनेशन 19। तो यदि आपको भी जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम है और आपका यूरिक एसिड बढ़ने के कारण जॉइंट्स पेन है तो आप आर्टिका यूरेंस लीजिए। अगर आपका मान लीजिए फर्स्ट मूव या चलने फिरने में आप ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही फर्स्ट मूव करते हैं या बैठ के उठते हैं, रोज़मर्रा के काम करते हैं, तब आपको तकलीफ होती है, तो रेस्टॉक्स लीजिए और इन दोनों ही दवाओं के साथ आप बायो कॉम्बिनेशन 19 लीजिए। अगर आप बायो कॉम्बिनेशन 19 लेते हैं तो ये आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग को कम करता है, जॉइंट्स में पेन को कम करता है, साथ साथ आपके साइनोवियल फ्लूइड को भी बढ़ाने का काम करता है। इस दवा को आप 4 टैबलेट दिन में 3 बार हल्के गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए, आप इसका रिजल्ट खुद देख सकेंगे। देन फोर्थ इफेक्टिव मेडिसिन है SBL ड्रॉप नंबर 6। ये भी दवा बहुत ज़्यादा असरदार है और खासकर हम उन पेशेंट को देते हैं जिन्हें जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रहती है, उनकी जो फिंगर्स हैं उनमें भी स्वेलिंग होती है, मीन्स जो फिंगर्स के ये एरिया जॉइंट्स होते हैं इनमें भी स्वेलिंग होती है, रिस्ट जॉइंट्स में स्वेलिंग होती है, मीन्स उनके ज़्यादातर जो जॉइंट्स हैं वो अफेक्टेड रहते हैं, उनमें स्वेलिंग, दर्द, स्टिफनेस रहता है, मीन्स अगर आप थोड़ा सा भी मूव करते हैं तो आपको बहुत तेज दर्द होता है, झंझनाहट होती है, और आपका साइनोवियल फ्लूइड मीन्स ऑयल भी आपके घुटनों में या जो भी एरिया है, मीन्स मान लीजिए आपके फिंगर्स हैं इसमें दर्द हो रहा है, इस जगह साइनोवियल फ्लूइड ख़त्म हो गया है जिसके कारण आपको कट कट की आवाज़ आ रही है, आप फिंगर्स भी मूव करते हैं, आपने कभी अपने बड़े बुजुर्गों में ध्यान दिया होगा जैसे ही वो फिंगर मूव करते हैं तो हल्की सी कट कट की आवाज़ आती है। अगर इस तरह की आपको प्रॉब्लम है तो आप SBL ड्रॉप नंबर 6 ज़रूर लीजिए। इस दवा को लेने से आपको बहुत जल्दी जॉइंट्स पेन में, स्टिफनेस में, जॉइंट स्वेलिंग में, आर्थराइटिस, गठिया बाद में रिलीफ मिलेगा। एक बात का ध्यान रखें, आप कोई भी दवा लें, इन दवाओं के साथ साथ आप बायो कॉम्बिनेशन 19 ज़रूर लें। ये चारों ही दवा बहुत असरदार हैं, जिससे भी आपके सिम्टम्स मिले उस दवा को आप यूज़ करिए, आपको बहुत जल्दी जॉइंट्स पेन, आर्थराइटिस, गठिया बाद से आराम मिल जाएगा। एक बात का ध्यान रखें कि दवा के साथ साथ आप न्यूट्रिएंट डाइट ज़रूर लें, विटामिन सी युक्त फल फूल ज़रूर लें, पानी का ध्यान रखें, साथ साथ योगा और मेडिटेशन करें। तो यदि आप इन दवाओं के साथ साथ कुछ प्रिकॉशन भी यूज़ करते हैं तो आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।